नौकरियां दी जाएंगी। कुमार अशोक जी सुनते हैं, शिक्षा जैसी जगत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाजपा हम सबको साथ आना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि भाषण से शासन नहीं चलता, और जो नीतिगत कुशासन जो भाजपा 4.5 साल केंद्र और 1.5 साल प्रदेश में किया है, उससे युवा का पेट नहीं भरता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, तो एक संकल्प पत्र भाजपा ने आज से यूपी सरकार बनने से पहले अपना यहां पे लॉन्च किया था, बड़ी जोर शोर से, माइक माला मंच की पार्टी था वैसे, उसको लॉन्च किया था। उसमें तीन चीजें कही थी नौकरी को लेके। एक कहा था अगर हमारी सरकार आई तो 1,000 करोड़ का स्टार्टअप कैपिटल फंड हम युवा की नौकरियों के लगाएंगे। वो स्टार्टअप कैपिटल फंड कहां है? दूसरा, इन्हीं ने कहा था हमारी सरकार बनते ही जो भी एमओयू उत्तर प्रदेश में होगा 90% रोजगार उसमें युवाओं के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। अरे आपका एमओयू तो 1.5 लाख करोड़ का हो गया, आज 90% रिजर्वेशन उसमें क्यों नहीं दिया? और तीसरा कहा था सरकार बनते ही शासन में सरकारी नौकरियां 90 दिन के अंदर जो शासन में भर्ती कराई जाएंगी उसमें युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा कहना 90 दिन की जगह 1.5 साल हो गए और नौकरियां कहां है? अब ये 3 सवालों का जवाब चुनावी संकल्प पत्र क्या जुमला था? चलिए इस गर्मा गर्म बहस में यही रुकते हैं। समय की बाध्यता हमारे पास, आप सभी दर्शकों का